नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, हम बात करें आज की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। जी हाँ, लंबे समय के बाद अब महाराष्ट्र में और दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार में कमी आई है। जी हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में आज आंकड़े 10,000 के नीचे पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि मुंबई कर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर केसेस इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है। आप देख सकते हैं बांद्रा के, हम जो हैं आपको हिल मार्केट, यानी आप इसे कह सकते हैं लिंकिंग मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर भीड़ भाड़ नज़र झले आ रही है, लेकिन लोग काफ़ी सतर्क हैं, सबके चेहरे पर मास्क है, लेकिन अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। भले ही मुंबई में केसेस में गिरावट आ रही है, लेकिन सावधानी हटनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात करें दिल्ली में, अब संक्रमण दर घट के 27% पे आ चुकी है, और कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की पीक गुजर चुकी है, और साथ ही मुंबई में भी, क्योंकि एक समय मुंबई में आंकड़े 20,000 पार आ रहे थे और अब आंकड़े 8,000 के नीचे घटकर आ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुंबई और दिल्ली में कोरोना की पीक गुजर चुकी है और अब तेजी के साथ आंकड़े धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। 7 जनवरी को जहाँ आंकड़े 20,000 थे, और अब देखिए 16 जनवरी को 7,985 हो गए। अगर देखें तो कुल 9 दिनों के भीतर ये कमाल हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली अपडेट में।